बीच में मैं राजीव भाई की आवाज से हमेशा होम्योपैथ होम्योपैथ सुनता था, तो मैंने होम्योपैथ खुद ही पढ़ने शुरू करी और उसमें डॉक्टर वेद प्रकाश जी का बहुत अच्छा योगदान रहा कि उन्होंने एक साल तक रोज मुझे एक घंटे फोन पे मोबाइल पे एक घंटे रोज होम्योपैथ के बारे में बताते थे, दवाइयों के बारे में बताते थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से होम्योपैथ का मैं कह तो नहीं सकता कि प्रभु ज्ञाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ न कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से ही दवाइयाँ जरूर मिलता हूँ और दवाई काम करती हैं। तो अब गैस के लिए सर्वसाधारण सबसे पहले कि जीने की गैस की समस्या होती है तो सबसे पहले अपने भोजन जो कर रहे हैं उसकी इतनी मात्रा कम कर दें। जितना आप कर रहे हैं, अगर आप दो रोटी खा रहे हैं ना तो थोड़ा सा कम कर दें और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो आपको पसंद है, अजवाइन, सौंफ, जीरा, जो भी चीजें आपको पसंद है, किसी को जीरा के मतलब अजवाइन नहीं पसंद है, कड़वा लगता है, वो जीरा ले लें, किसी को जीरा नहीं पसंद है सौंफ ले लें, हल्का सेका हुआ उसमें काला नमक या मिश्री। अब काला नमक कौन लेगा और मिश्री कौन लेगा ये फर्क पड़ने वाली बात है कि कौन लेगा नहीं लेगा, लेकिन मैं भी सब बताता हूँ कि जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से लें, नियमित रूप से कर लें, आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी सर्वसाधारण गैस की समस्याओं में। लेकिन अगर नहीं ठीक होती है तो व्यक्ति विशेष में आपकी प्रकृति को देख के, आपकी दिनचर्या को देख के, जो होम्योपैथ की दवाइयाँ या आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ या इन घरेलू औषधियों से बनने वाले मिक्सचर, जहाँ दादी नानी के हिसाब से मैं बताऊँ, मुझे आज भी याद है बचपन की वो बात कि मेरी नानी के यहाँ नींबू का ऐसा अचार होता था जो देखने में काला लगता था, लेकिन आज पता चला कि वो काला नहीं था, वो गैस का सबसे बड़ा कारण था, पेट दर्द का सबसे बड़ा कारण था, जो मर्जी खा जाओ हजम हो जाता था और उस अचार को बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, कांच की शीशी में नींबू और नमक डाल के छोड़ दो, 2 साल बाद काला नजर आता है। तो आज हमारे पास समय कम है तो उसको और थोड़ा सा सरल करने के तरीके हैं कि बाय अजवाइन को आप अजवाइन ले लें, उस अजवाइन में नींबू काटा सा नमक डाल के भी सावली का छांव में सुखा दें और फिर अगले दिन इस तरीके से 7 बार करनी है। उसके बाद से बनी हुई अजवाइन एक चुटकी काफी है आपके लिए गैस की समस्याओं के लिए। इसके बाद भी कोई रह जाती है तो आप अपने नजदीक के होम्योपैथ चिकित्सक से या मेरे पे मतलब जरूरी, मैं आपको बता दूं हमारा मेरा पर्पस है कि हम उन पैसों की तरफ लौट चले जहां पे हमारा स्वास्थ्य खर्च कम है और शरीर के दुष्प्रभाव होने के खतरे कम है। मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी कोई पैथी नहीं है, एलोपैथी बहुत अच्छी पैथी है उस वक्त जब आपको सर्जरी की सुविधा चाहिए, उस वक्त जब आप दर्द के मारे करा रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, दर्द बांटने वाला भी जब कोई ना हो तब एलोपैथी आपके लिए भगवान है। उसी वक्त भगवान है जब अगर मान जाए कि तो बहुत कोई दर्द है, उसका दर्द बांटने वाला कोई कहे चिंता मत कर, चिंता मत कर ठीक हो जाएगा, तो उसके लिए तो फिर भी थोड़ा सा कम भगवान है, लेकिन उसके हम किसी के सहारे अगर बहुत ज्यादा तड़प रहा है, कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो उसके लिए आज की एलोपैथी की सुविधा बहुत अच्छी है क्योंकि वो वेंटिलेटर को भी रखे रहते हैं। आज हमारे साथ दिक्कत यही है कि वो लोग हमारे ऊपर हावी इसलिए हैं क्योंकि हम सेवा करने से बच जाते हैं, सिर्फ पैसे देना रहता है। माँ बाप को दर्द हो रहा है, मालिश नहीं करेंगे लेकिन डॉक्टर को 5,000 रुपए प्रतिदिन देने को तैयार है, फिजियोथेरेपी को 1,000 रुपए डेली को देने को तैयार है, लेकिन माता पिता की मालिश नहीं करेंगे, बच्चों की मालिश नहीं करेंगे, सिकाई नहीं करेंगे। तो इसी जो फल फूल रहा है और सारी चिकित्सा पैथी इसीलिए फल फूल रही है कि वो लोग हमारे संस्कार हमारे जा रहे हैं, संस्कार हमारे मर रहे हैं, तो उनका धंधा चल रहा है। अगर आज हमारे संस्कार अगर मानवता की रहे, एक दूसरे की सेवा की रहे, एक दूसरे के प्रति की नुकसान ना हो सामने वाले का, मेरे पास मुझे आज भी याद आता है जब फोन आता है तो सामने वाले से मेरी कोशिश ये होती है कि उसका खर्च ना के बराबर हो चाहे किसी भी रूप में हो। आज इलाहाबाद में नीरज मिश्रा जी की माता जी को चेस्ट में कैंसर हुआ तो उन्होंने बोला भैया कैंसर हुआ, मैंने कहा कि मेरी तरफ से सारी उपचार है आप करो, लेकिन समाज आपको करने नहीं देगा, आपके भाई आपको करने नहीं देंगे, इसलिए किसी न किसी डॉक्टर के पास, किसी न किसी चिकित्सालय में जाए। तो आप मैंने कहा मेरे स्तर से जो मुझे मालूम था, मैंने सिर्फ 11 दिन के 1,000 रुपये लगते हैं और वो 11वें दिन आपको वापस हो जाता है और दोनों पैक खाना फ्री है। जैन समाज का पंचगव्य चिकित्सा से चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से चिकित्सा करते हैं, बलसार भोजाज में जिसकी एक बार जी उन्होंने रखा गया जिस दिन अपने व्याख्यानों में उसके बारे में बताया था और उस
हॉस्पिटल को कहीं भी कोई प्रचार प्रसार नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हीं राजीव भाई को सुनने वाले दूसरे कई हॉस्पिटलों का प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि वहाँ धंधा होता है, बाकी जगह पे धंधा नहीं हो रहा है। उस जगह धंधा नहीं हो रहा है इसलिए उसका नाम और निशान नहीं है बलसार के उस हॉस्पिटल का। आज जो चौथा दिन है, कह रहे भैया यहाँ पे माता जी इतनी खुश है, इतनी दिनचर्या ऐसी बना दी है उन लोगों ने, जन समाज ने इतने अच्छे तरीके से कि वो हेल्दी हो रही है। सिर्फ चार दिनों में बहुत फर्क है। तो ऐसी कोई बातें हैं तो आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे अपने ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं। शुगर कहाँ होती है? शुगर कहाँ होती है? आपने लोग समस्या नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। सामान्य मंच पर उपस्थित गोविंद भाई जी और उनके साथीगण और प्रधान जी, जिन्होंने मुझे साइज पांच का ट्रस्टी भी बनाया, मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करूंगी। मैं इस समाज में पहले भी आती थी, अभी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इनके ग्रुप से भले ही नहीं जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी मैं इन बातों से पहले से ही मिली कि किस तरह से पानी पीना चाहिए, ये सब बातें बहुत अच्छी है और इनको फॉलो हम सबको करना भी चाहिए। और जिन्होंने अभी तक नीतियों को शुरू कर लिया, अपना जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आगे का जीवन भविष्य उनका अपना, अपनी पीढ़ी का, अपने बच्चों का, तो आयुर्वेद को फॉलो करने के साथ साथ योग को भी फॉलो करें। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आयुर्वेद और योग ही जीवन है। आयुर्वेद शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, नैसर्गम शरणम गच्छामि, कि हम प्रकृति की ओर लौटे, आयुर्वेद की ओर लौटे, योगा की ओर लौटे और उससे भी ज्यादा वेदों की ओर चले। वेदों की ओर लौटे, वही जीवन है, वहीं से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और इन्हीं बातों के साथ इसे धन्यवाद करते हुए कि सभी इस बातों का अनुसरण करते हैं। योग के बारे में जो आजकल भ्रांति फैली हुई है ना, तो उस भ्रांति को भी हमें दूर कर लेना चाहिए। आप पतंजल ऋषि के जो चार प्राणायाम है ना ओरिजिनल, अनुलोम विलोम इनको छोड़ दें, जो हमें जो ओरिजिनल जो बेसिक वो प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम आभ्यंतर स्तंभवृत्ति और बाह्य अभ्यंतर आक्षेपी, तो चौथा तो अभी किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन में करना चाहिए। तो आप पहले दो भी कर लेंगे ना ये प्राणायाम प्राणायाम, तो उससे भी आप काफी कुछ अपने डिजीज को क्योर कर पाएंगे। तो आप मतलब जैसे तिल का तेल आपको मिल जाए प्योर, तो उसमें आप चाहे हींग डाल के आप उसके आप मालिश कीजिए, तो अपने पॉइंट्स को बैठे बैठे आप खाली बैठे हैं वो दबा दे रहे हैं। और अपने विचार को जितना आप सकारात्मक तो बनाते चले जाएंगे ना कि हाँ मैं मेरे शरीर में दिक्कत है, मुझे नहीं है, मैं इस शरीर में हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, जब इस आत्म स्वरूप में आप आ जाओगे ना तो अपना फोकस उस पर ले जाएंगे जहाँ दर्द है। तो काफी लोगों का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कि उससे भी ठीक हुआ कि हाँ मैं ठीक हूँ। आप भोजन बना रहे हो, आप स्ट्रेस में हो या कोई और आपको चिंता आ गई, तो उसका टेस्ट आपके भोजन में भी आ जाता है। तो ये भी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मतलब हम भूल जाते हैं कि आप रसोई घर में गए तो पूरे सकारात्मक विचारों को लेके जाए। आप गायत्री मंत्र बोलते हुए कर लीजिए, आप भोजन बना लीजिए, आप देखिए क्या विनाश आता है। उसको खाती हूँ, उसका पानी भी पीती हूँ, अखरोट भी नहीं बोलती हूँ, उसका पानी भी पीती हूँ और भी थोड़ी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पीती हूँ। दर्द की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि जब यज्ञ हो रहा था तो सारे लोगों का पोजिशन था वो पता चल रहा था कि सारे के सारे दर्द से पीड़ित हैं, इनके घुटने सही से मुड़ते नहीं है।
क्योंकि जो भी है मतलब एक स्टूल पे बैठे हुए थे, फालती मार के नहीं बैठे हुए, तो मुझे आइडिया मिला। आज सिर्फ दर्द की बात करो, और ये मौसम जो है ना सर्दी का मौसम, इस मौसम में तो दर्द बड़ी जल्दी आती है, और इसी वक्त याद आता है कि मैं इसमें जो सबसे सरल बिना किसी दुष्प्रभाव के जिस औषधि ने इस काबिल हमें बनाया, वो अपने राजीव भाई के मुख से निकली हुई तीन औषधि हल्दी मेथी सौंठ, ये तीनों बराबर मात्रा का बारीक पाउडर, इसकी अपनी पाचन शक्ति अपनी प्रकृति को देखते हुए आधा चम्मच से लेके एक चम्मच तक दूध और पानी दोनों बराबर मात्रा में मिला के इसको डाल के दूध बचने तक उबाल के अगर इसको लिया जाए तो दर्द चला जाता है पूरी तरह से। क्योंकि तो अगर 5-2.5 किलो का अगर तारा किसी के पैर पे गिरे अलमारी के ऊपर से, 6 फीट 7 फीट की अलमारी के ऊपर से, तो उसके पैर का क्या हाल हुआ होगा और उसका कैसा दर्द हो रहा होगा। सिर्फ 4 बार लगातार पीने मात्र से वो दर्द खत्म हो गया था। तो जब ये दर्द खत्म हो सकता है तो कैसे कैसे दर्द खत्म होंगे, उन्हीं में से एक कल बात हुई रही थी सुरुचि दीदी में मेट्रो में HR डिपार्टमेंट में, उनका फोन आया, बेटी के लिए फोन आया, तो मैंने कहा दीदी आपके दर्द का क्या हाल चाल है, कह रहे भैया दर्द होता था आपसे पूछती नहीं, मैं तो सिर्फ यही एक टाइम दूध वो हल्दी वाला हल्दी मेथी सोड वाला ही मैजिक जैसा काम कर रहा है वही दे रही हूँ। तो उस बहन के बारे में बताऊं कि इसी एलोपैथी ने उनकी पहली डिलीवरी के बाद बोल दिया था कि आप दूसरा बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि आप गठिया की पेशेंट बन चुकी हैं, अगर आप करती हैं तो आपके लिए और उस बच्चे के लिए आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। और पिछले साल 22 नवंबर को उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया वो भी नॉर्मल डिलीवरी से, और वो डॉक्टर भी हैरान है अपने दांतों के नीचे, तो सिर्फ रसोई घर की बदौलत और कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ उन्हें चलाई गई थी। तो हल्दी मेथी सौंठ का इतना बेहतरीन, क्योंकि राजीव भाई ने बताया था तो हमने हमें क्या है, मैं आपको बताऊँ हम लोग करेंगे, सारे करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 1 दिन छोड़ देंगे, लेकिन डॉक्टर की दवाई कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर 3 टाइम बोला है भविष्य नहीं होना चाहिए, चाहे बीवी बहू से झगड़ा हो जाए, पति से झगड़ा हो जाए, मेरी दवाई पहले खत्म हो। मैंने ऐसे घर में भी गया हूँ जहाँ पे दवा 3 दिन की पड़ी है, फिर भी बेटे को घर पहले से दवा मंगवाते थे कि मेरी दवाई डाल दो, क्योंकि डॉक्टर की दवाई है, पैसे दे के आते हैं, रसोई घर की दवाई सस्ती में आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें कीजिए, आप मेरी बात सुनिए। और एक बताऊँ कि हमारे एक लाल के दर्द निवारक के बनता है, समाधि देवी भी बनाती है ग्रुप को देख के और अपने अनुभवों से ही, और उनके पास इसका अनुभव भी है, पीछे भी वो बीमार हुई थी, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में खुद ही बताए, क्योंकि मैंने उनकी इंस्टाग्राम की साइट पर भी देखा है कि उनको फीडबैक मिली कि आपका तेल बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो आपका नहीं, आप सबका तेल है, आप सब बना सकते हैं, और जो नहीं बना सकते आप उनसे जरूर ले सकते हैं। मैं दीदी से कहूँगा कि उस तेल के बारे में खुद ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि कितने मैजिकल तेल है। मेहनत जरूर लगती है, तो आप लोग भी अगर अपने घर पे बना सकते हैं तो जरूर बनाए। सरसों का तेल, लहसुन छीलने में मेहनत लगती है, क्योंकि आधा आधा किलो लहसुन छीलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। मेथी दाना, अजवाइन, कपूर, अजवाइन सर, पुदीना सर और सरसों के फूल, सोंठ पाउडर, तेजपत्ता, जायफल, लौंग, दालचीनी और शायद कुछ भूल रही हूँ तो याद नहीं आ रहा, मेथी दाना, हाँ बहुत कुछ उसमें भाई जी ने जो बता रखा है वो डालती हूँ, और रतन जोड़ डालती है, तारपीन का तेल डलता है लाल तेल के लिए। तो इन सब चीजों को बहुत धीमी आंच पे, बहुत ही